गाइस, उत्तराखंड कोर्ट ने डोमिनोज पिज्जा को लगभग 10 लाख रुपए का फाइन पे करने को कहा है। पर ऐसा क्यों? दरअसल डोमिनोज पिज्जा वालों ने अपने एक वेजिटेरियन कस्टमर को नॉन वेजिटेरियन पिज्जा डिलीवर कर दिया, जिसे उस कस्टमर ने खा भी लिया। अब चूंकि वो कस्टमर वेजिटेरियन था, तो पिज्जा खाने के बाद उसकी हेल्थ खराब हो गई, और जब ये बात उसे और उसकी फैमिली को पता चली तो उन्होंने पुलिस में डोमिनोज की कंप्लेन करने का फैसला लिया। लेकिन पुलिस किसी रीजन के चलते उनकी हेल्प नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरी कई अथॉरिटीज में कंप्लेन डाली, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। फाइनली उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन डाली, और तब जाकर उस कस्टमर को डोमिनोज पिज्जा ने 9.68 लाख रुपए का जुर्माना दिया। वैसे गाइस, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ी बीमारी इस दुनिया में आई, हमारे वैज्ञानिकों ने देर सवेरी सही पर इसका इलाज जरूर ढूंढ निकाला है। और इसी तरह से पिछले कुछ सालों से हमारे वैज्ञानिक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज को ढूंढने में लगे थे, और अब फाइनली इसका इलाज मिल गया है। जी हाँ गाइस, वैज्ञानिकों ने डोसार्टलिमैब नाम की एक कैंसर दवा ढूंढ निकाली है, जिसे उन्होंने 12 कैंसर मरीजों पर ट्रायल भी किया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 12 के 12 मरीजों का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया। दरअसल US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने GlaxoSmithKline द्वारा बनाई गई इस दवा को अगस्त 2021 में ट्यूमर मरीजों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे कैंसर स्टेज 2 और स्टेज 3 वाले मरीजों पर 6 महीने तक ट्रायल किया। और इसके बाद जब उनकी रेडियोथेरेपी और सर्जरी की गई, तो वो मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। बहरहाल इस दवा से अभी सिर्फ रेक्टल कैंसर मरीज ही ठीक हो पाए हैं, और अब देखना ये होगा कि क्या ये दूसरे टाइप के कैंसर भी ठीक कर पाएगा। वैसे गाइस, आपका इस दवा के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।